हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी में बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को केयरफुली देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर जो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर फॉलो कर लें या मेरे यूजरनेम में टेक बाय दीपक सिंह समझा फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी में फ़ोटो के बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लगाया हूँ। इस तरह आप भी कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो केयरफुली देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बैक आते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है पिक्सल लैब। चलिए उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं पहले से ही डाउनलोड किया हूँ, बट आप जाकर प्ले स्टोर से पिक्सल लैब लिखेंगे। चलिए आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऊपर आ गया है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ। देन ओपन पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कैंसल, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इमेज साइज पे पहले क्लिक करेंगे, ध्यान से देखते रहिए एक एक चीज़। यहाँ पर आप लेंगे फर्स्ट पे 1080, यहाँ पर 1920, ध्यान से दोनों देख लीजिएगा। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। देखिए इस तरह हो गया, ये आपके इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज है। देन आपके मर्जी जो भी आपको कलर लेना रहेगा उस कलर को चूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप दो कलर भी लगा सकते हैं, मल्टी कलर जिसे कहते हैं। अगर एक कलर चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, येल्लो चाहिए तो येल्लो क्लिक कर देंगे। रेड पे, इस पर जो भी आपको कलर चाहिए उस कलर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं येल्लो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको जिस भी फ़ोटो को लगाना है अपने स्टोरी पे उसको लाएंगे। उसको लाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, प्लस वाले पे, फ्रॉम गैलरी क्लिक करेंगे। एक फ़ोटो अपना चूज कर लेंगे जो भी आपको लगाना रहेगा अपने स्टोरी पे। तो मैं इसे लगाऊंगा, तो इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए सही का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। देन आप अपने हिसाब से इसको सही कर लेंगे मेंटेन। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम, यहाँ से अल्ट्रा क्लिक करेंगे। देन आप सेव टू गैलरी कर देंगे, ध्यान से देखते रहिए, बैक आ जाएंगे। अब चलते हैं इंस्टाग्राम में, देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम खुल चुका है। स्टोरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से गैलरी पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए बैकग्राउंड येलो हो गया, आपका फ़ोटो जिस तरह चाहेंगे उस तरह कर सकते हैं। देखिए देखिए अपने हिसाब से कर सकते हैं, देखिए जिस तरह। इसके बाद कोई स्टिकर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, वो तो जानते होंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी एक स्टिकर ले लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए मैं सुपर लिख देते हैं, उसको लाते हैं उस स्टिकर को। देखिए ढेर सारा आ गया, जो भी आपको लगाना रहेगा उस पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर जहाँ पर लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं अपने हिसाब से। देन आप सेंड टू क्लिक करेंगे, इसके बाद योर स्टोरी क्लिक कर देंगे, शेयर पे, डन। देखिए ये फ़ोटो आपकी स्टोरी लग गया है, और जो भी कलर आप चाहेंगे वो कलर कर सकते हैं। इस पर स्टोरी क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टोरी लग गया है। इस तरह आप जो भी कलर चाहेंगे अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में वो कलर लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन उसको दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।